in freezing point or any colligative property, we will always see, हम लोग हमेशा देखेंगे कि colligative property is inversely proportional to molar mass. इसका मतलब normal molar mass, नॉर्मल मोलर मास मतलब कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल मोलर मास है, जैसे NaCl का मोलर मास 58.5 है तो वो नॉर्मल मोलर मास हुआ, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 है तो वो नॉर्मल मोलर मास हुआ। लेकिन अगर हमारे पास NaCl का मोलर मास 58.5 नहीं है तो वो हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास हुआ। सिमिलरली हमारे पास एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 नहीं आ रहा है तो हमारे पास वो एबनॉर्मल मोलर मास। तो हमारे पास नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास, तो अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेफरेंस में वांट हॉफ फैक्टर एक्सप्रेस करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट अपॉन थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो हमारे पास वांट हॉफ फैक्टर फिर हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब हमें क्या देखना है, जब हमने पार्टिकल लिया तो कितना था पार्टिकल डिसोसिएट होने से पहले, और जब हमारे पास पार्टिकल डिसोसिएट हो गई या एसोसिएट हो गई तो उसके बाद हमारे पास टोटल कितना पार्टिकल फॉर्म हो रहा है आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा रिलेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा वांट हॉफ फैक्टर का रिलेशनशिप देखा, जैसे मान लेते सपोज कि हमारे पास NaCl है, हमने ऐसे सोडियम क्लोराइड लिया, ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो रहा है। मान लेते हैं हमने स्टार्टिंग में इसका 100 मॉलिक्यूल लिया, ये 0-0 था, मतलब बिल्कुल बिगनिंग। थोड़ी समय बाद एट t, ये तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, NaCl एज ए मॉलिक्यूल 0 बचेगा, ये पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया 100 और 100। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 100 सोडियम प्लस और 100 क्लोराइड आयन।
तो 100 प्लस 100 कितना हो गया, 100 प्लस 100 ये हमने किया 200। पहले कितने थे, बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, बिफोर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे बिफोर डिसोसिएशन, तो हमने 100 मॉलिक्यूल लिया था, NaCl का 100 मॉलिक्यूल लिया था, तो ये कितने हो गए, दिस इज 100। वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, आई निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट होने के बाद 200 हो गए, 200 डिसोसिएट होने से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल 100 थे, तो वांट ऑफ फैक्टर आ गया 2। वांट ऑफ फैक्टर इस तरह से 2 आ गया। लेकिन हम लोग अगर एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर, तो हमारे पास ये 2 नहीं, 2 के करीब करीब में आता है, 2 के आसपास में होता है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयन सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेदर स्ट्रांग हो या वीक हो, 100% डिसोसिएट नहीं होता है। 100% डिसोसिएट तभी होगा जब वो बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो। आप तो कहेंगे कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होना चाहिए, ठीक है, होगा 100% डिसोसिएट, बट आफ्टर डिसोसिएशन कुछ कैटायन और एनायन आपस में स्टिक कर सकते हैं, कुछ कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से स्टिक कर जाएंगे, तो वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास बिलो 2 नजर आएगा। देखते हैं, इसका मतलब हम वांट ऑफ फैक्टर यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, माना हमारे पास एक पार्टिकल ए है जो कई सारे पार्टिकल बी सी डी सो ऑन ब्रेक हो जा रहा है, कई सारे पार्टिकल। स्टार्टिंग में हमने पार्टिकल लिया 1 0 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन ये पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो हम यहां लेंगे 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल बन जाएगा डी का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट होने के बाद, आफ्टर डिसोसिएशन हो गया 1 माइनस अल्फा, ये बचा हुआ ए पार्टिकल, और अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यहां पर 3 अल्फा है, लेकिन हमने 3 बनाया, ये यहां पर अभी एन टाइम डिसोसिएट हो रहा है, तो हम लेंगे प्लस एन टाइम अल्फा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, तो हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन टाइम अल्फा, अल्फा कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास हो गया 1 प्लस n-1 अल्फा। ये हमारे पास डिसोसिएशन होने के बाद नेट नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना था, बिफोर डिसोसिएशन ये था 1। यहां पर हमने कितने पार्टिकल लिया था, 1 पार्टिकल लिया था डिसोसिएशन होने से पहले। तो देखते हैं इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। ओके, तो हम वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, आई था नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट होने के बाद, तो डिसोसिएट होने के बाद हमारे पास आ रहा है 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फा, और डिसोसिएट होने के पहले पार्टिकल था 1, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या आ गया, i = 1 + n-1 टाइम्स अल्फा, ये हमारे पास
वांट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशनशिप आ गई। या हमारे पास देखें अल्फा निकालना होगा तो हमारे पास अल्फा हो गई आई माइनस वन हो गया इधर आ गया और एन माइनस वन हमारे पास डिवाइड कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन। जैसे सपोज क्या हमारे पास हमने ये ले लिया कैल्शियम क्लोराइड ले ली सी ए सी एल टू हमारे पास कैल्शियम टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस क्लोराइड आयन बन रहा है। स्टार्टिंग में हमने इसका पार्टिकल वन लिया ये जीरो जीरो ये वन माइनस अल्फा हुआ ये अल्फा टू अल्फा ठीक है। तो देखते हैं इसका वांट हॉफ फैक्टर क्या आएगा। ओके तो कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या देख रहे हैं यहां पर वांट हॉफ फैक्टर निकालेंगे तो वन माइनस अल्फा तो हमारे पास सी ए सी एल टू बची हुई है प्लस हमारे पास अल्फा कैल्शियम टू प्लस आ गया और दो सी एल माइनस के लिए टू अल्फा ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया वन माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा कैंसिल हो गया हमारे पास ये आ गई वन प्लस टू अल्फा। अगर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा वन होगा इफ तो वांट हॉफ फैक्टर हो गया वन प्लस टू इक्वल टू थ्री वांट हॉफ फैक्टर इसके लिए थ्री होगी ठीक है। या हम इसको सीधा देख सकते थे n क्या है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर हमारे पास n क्या है ये जो हमने n लिखा है n इज द नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस या पार्टिकल्स हैं कितने पार्टिकल में मतलब कि एक मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ हम कैल्शियम क्लोराइड के लिए देखें कि सिंगल मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है तीन पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है तो सीधा हम ये वाला रिलेशनशिप यूज करके वांट हॉफ फैक्टर निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे हमारे पास ये वाला रिलेशनशिप से वांट हॉफ फैक्टर निकलेगा। हमारे पास एन इक्वल टू थ्री है कैल्शियम क्लोराइड में तो वांट हॉफ फैक्टर आ गई आई इक्वल टू वन प्लस थ्री माइनस वन अल्फा तो दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू अल्फा सेम रिलेशनशिप आया जो हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे। और अल्फा अगर हम यहाँ पर वन कर दें इफ अल्फा इक्वल टू वन जैसा कि कैल्शियम क्लोराइड के केस में अल्फा वन होता है तो हमारे पास आई इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस टू इक्वल टू थ्री ठीक है नोट डाउन कीजिएगा। ओके चलिए हम लोग एक मॉलिक्यूल देखते हैं आर्बिट्रेटरी मॉलिक्यूल। हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट वांट हॉफ फैक्टर फॉर ए एक्स बी वाई मॉलिक्यूल। ठीक है हमारे पास एक हमने आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल ले लिया ए एक्स बी वाई ये ए एक्स बी वाई है रिवर्सिबल डिसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है एक्स नंबर ऑफ ए वाई प्लस आयन प्लस वाई नंबर ऑफ
बी